शाहरुख इन दिनों अपनी फिल्म पठान को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। उनकी फिल्म का देश भर में विरोध किया जा रहा है। शाहरुख खान ने भी सोशल मीडिया पर फैंस को क्रिसमस विश किया। इसी दौरान एक्टर ने एक खास तोहफा भी दिया और वो था ट्विटर पर 15 मिनट का आस्क एसआरके सेशन। इस दौरान एक्टर ने सभी सवालों के मजेदार जवाब दिए। इन्हीं में से एक पठान के ट्रेलर को लेकर भी रहा। दरअसल इस सेशन के दौरान शाहरुख के एक फैन ने उनसे पूछा कि फिल्म पठान का ट्रेलर आखिर क्यों रिलीज नहीं कर रहे। एक्टर ने अपने अंदाज में इसका जवाब दिया और लिखा, हा हा, मेरी मर्जी, वो तभी आएगा जब उसे आना होगा। वहीं दूसरे यूजर ने शाहरुख खान के 8 पैक्स वाले लुक का फोटो शेयर करते हुए पूछा, सर कितना टाइम लगा आपको? एक्टर ने जवाब दिया, 57 साल भाई। वहीं आखिर में एक्टर ने लिखा, अब मुझे जाना होगा, अब्राहम मुझे बुला रहा है। थैंक यू सभी को, सभी को नए साल और क्रिसमस की बहुत मुबारकबाद। दुआ है कि आगे आपकी जिंदगी के सबसे बेहतरीन दिन आपको जीने को मिले। शाहरुख खान की फिल्म पठान का ट्रेलर तो रिलीज नहीं हुआ, लेकिन इस फिल्म के अब तक 2 गाने रिलीज हो चुके हैं। पहला गाना बेशर्म रंग और दूसरा झूमे जो पठान। पहले गाने बेशर्म रंग को लेकर देश के कई राज्यों में प्रदर्शन किया जा रहा है। गाने में दीपिका ने भगवा रंग की बिकिनी पहनी है, जिससे कई लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, जिसके चलते इस फिल्म का विरोध किया जा रहा है। वहीं पठान के दूसरे गाने झूमे जो पठान पर भी चोरी का आरोप लग रहा है। शाहरुख की पठान रिलीज से पहले ही विवादों में फंस गई। बता दें कि शाहरुख खान 4 साल बाद पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें देखने के लिए फैंस काफी बेताब भी हैं। फिल्म पठान 25 जनवरी 2023 को आने वाली है। इस फिल्म में शाहरुख के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि पठान के OTT राइट्स 200 करोड़ में Amazon प्राइम वीडियो ने खरीद दिए। 250 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही 200 करोड़ रुपए जमा कर लिए हैं। भले ही फिल्म ने रिलीज से पहले ही एक बड़ा अमाउंट हासिल कर लिया हो, लेकिन जिस तरह से पठान का विरोध हो रहा है, फिल्म को बैन कराने की मांग चल रही है, उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बेहद ही बुरा हाल होने वाला है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।